नमस्कार, न्यूज क्लिक पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोविड 19 का क्या स्थिति है दुनिया में और खास तौर से हमारे मुल्क में। हम अगर देखें तो इस वक्त दुनिया में जितने संख्या है केसेस की और रैंकिंग्स देखें देशों की, तो हम देखेंगे हमारी हालत काफ़ी ख़राब है, नाजुक है इस वक्त। अगर ये जो देशों की आप संख्या देख रहे हैं, सबसे आगे अमेरिका है, उस पर करीब करीब 2.6 मिलियन के लगभग है। इसके बाद ब्राज़ील 1.4 मिलियन, इसके बाद रूस 6,40,000 0.64 मिलियन, पर हिंदुस्तान इस वक्त उनका काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है। और अगर आप देखें संख्या तो हम इस वक्त करीब करीब ब्राज़ील के पास पहुंच, रशिया के पास पहुंचते हैं, जो कि तीसरा स्थान पे इस वक्त है। रशिया में इस वक्त जो है 6,40,000 लोग बीमार है और हमारा संख्या 5,85,000 है। मतलब इस रफ्तार से हम बढ़ते अगर रहें, जो आप देखेंगे इस मैप पे हमारे सामने है, चार्ट्स पे हमारे सामने है, कि हम शायद रशिया से आगे बढ़ जाएंगे। कुछ चंद दिनों में ही हम तीसरे स्थान में पहुंच जाएंगे। अगर हर रोज का संख्या देखें तो हम इन्फेक्शंस, न्यू इन्फेक्शंस में हम सबसे दुनिया की तीसरे स्थान पे हैं। सबसे ऊपर नहीं, सबसे ऊपर अभी भी अमेरिका है। उस पर फिर रफ्तार आई है, तेजी आई है उनकी संख्याओं में, और ब्राज़ील लगातार उसी रफ्तार से बढ़ रहा है जो पहले से बढ़ रहा था। पर हमारी रफ्तार भी घटी नहीं है, फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व जो कहते, वो कहीं ही कभी भी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो अगर हम देखें आज हमारे यहाँ पर कितने केसेस हैं और टोटल कितने हैं, तो हमारे यहाँ पर इस वक्त 5,85,000 लोग कोविड 19 के शिकार हो चुके हैं। 17,400 लोग की मौत हो चुकी है और न्यू केसेस जो कि हमारे लिए रफ्तार बताती है वो 18,500 की लगभग है। इस पर न्यू केसेस की संख्या लगातार बढ़े जा रहा है और यही चिंता की बात है, क्योंकि वो अगर फ्लैट नहीं करता, पहले वो दिखाई पड़ना चाहिए कि उसकी ग्राफ नीचे आनी चाहिए, फ्लैट या नीचे आनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं एक हिसाब से हम इस महामारी के ऊपर हम कुछ हद तक काबू पा चुके हैं, काबू पा लिए हैं। अगर हम आज आपको प्रदेशों की जो हम दिखाते हैं उस प्रदेशों के बारे में नहीं चर्चा करेंगे, आप चलिए हम चर्चा करते हैं शहरों के बारे में, क्योंकि जितने केसेस हिंदुस्तान में है, भारतवर्ष पे इस वक्त है, उसमें करीब करीब 40-50% केसेस सिर्फ 6 शहरों में है। और अगर इस पे 3-4 और शहर जोड़ लेंगे तो लगता है कि ये 10 शहरों में जितने बीमारी हैं, जितने लोग बीमार हैं, तो उससे हिंदुस्तान की 50-60% इन्फेक्टेड केसेस वही निकलेंगे। पहले तो है मुंबई, जिसकी करीब 75,000 इस वक्त बीमार हैं। इस वक्त उनकी बीमारी 75,000-77,000 के लगभग है। अगर आप देखें दिल्ली की बीमारी, दिल्ली अब इस पे ओवरटेक कर चुका है उनको, तो दिल्ली की इस वक्त 87,000 बीमार इन्फेक्टेड लोग हैं। तो इस पे और तीसरा स्थान जो है चेन्नई का है, करीब 65,000, और चौथा स्थान में है अहमदाबाद, करीब 21,000 लोग यहाँ इन टोटल इन्फेक्टेड में आ रहे हैं। तो ये 4 शहरों को अगर जोड़े, और उसके साथ हैदराबाद भी है, कलकत्ता भी है, पर इन 4 शहरों को जोड़े तो करीब करीब 40-45% बीमार इन्फेक्टेड लोग हिंदुस्तान के इस वक्त जितने हैं वही इन 4 शहरों में मिलेंगे। पर इससे भी सच्चाई जो है इससे भी थोड़ी आगे है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो मुंबई शहर के साथ हमें थाने को जोड़ना चाहिए। थाने जो कि वो अर्बन एरिया के हिसाब से
मुंबई से लगा हुआ है, वहां भी करीब 33,000 लोग बीमार हैं। तो इसका मतलब मुंबई और थाने को मिलाकर, सो ग्रेटर मुंबई एक हिसाब से आप कह सकते हैं, वहां 1,00,000 से ऊपर लोग बीमार है। दिल्ली की वही हालत है। दिल्ली की फिगर जो है आप इस वक्त देखेंगे करीब 87,000 पहुंच चुका है। इसको इसके साथ हमें जोड़ना चाहिए नोएडा को जो कि गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद को, पर इससे ज्यादा गुड़गांव और फरीदाबाद में को जोड़ना चाहिए क्योंकि वहां पर संख्या काफी ऊपर है। इनको अगर सब जोड़े तो दिल्ली की फिगर भी यहाँ 1,00,000 के आसपास पहुंच जाएगा। मतलब सिर्फ दो शहर में हमारा करीब करीब 2,00,000 इस वक्त टोटल इन्फेक्टेड है। और उसके साथ साथ अगर चेन्नई को जोड़े तो चेन्नई में करीब आप देखेंगे करीब 60,000 के लगभग है, 58,000 कुछ सौ है वहां पर। इसका मतलब इन तीन शहर को अगर जो जोड़े तो आप 2,60,000 लोग बीमार हैं। तो 40-45% से तीन शहर में है, अहमदाबाद जोड़े और चंद और शहर का जोड़ ले तो आप देखेंगे 50% के ऊपर सिर्फ 6 शहरों से पहुंच जाएगा। इसका मतलब इस वक्त इसका जो तेजी है, बीमारी की जो फैलाव है, वो सबसे ज्यादा शहरी इलाके में है। और इसमें भी जो खास कुछ चंद शहरों में ये बीमारी काफी फैला हुआ है, और उसको अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम बीमारी पे काबू पा लेंगे। पर इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहा है इन शहरों में उस तरह से कंट्रोल है। मुंबई की कर्व थोड़ी सी फ्लैट है, सही है, पर थाने काफी तेजी से बढ़ा है। इसीलिए सबको मिला के अगर हम देखें तो चित्र इतना साफ नहीं है कि हम इस बीमारी पे इस वक्त किसी भी शहर में काबू पा लिए हैं। और इसके साथ साथ कुछ शहरों में जैसे हैदराबाद है, काफी तेजी से बढ़ोतरी दिख रही है। पर हैदराबाद के साथ एक प्रॉब्लम जो हमारी रही है वो तेलंगाना स्टेट के साथ रही है कि वहां पर टेस्टिंग की फिगर्स बहुत कम है और टेस्टिंग जानबूझ के लगता है कम किया जा रहा है फिगर्स को छुपाने के लिए। थोड़ी सी जब तेजी आई तेलंगाना में क्योंकि टेस्टिंग कोर्ट के कहने पे उन्होंने बढ़ाया, हैदराबाद में भी थोड़ी सी टेस्टिंग बढ़ी तो काफी तेजी से संख्या आगे बढ़ी। उसके साथ साथ तुरंत उन्होंने फिर टेस्टिंग कम कर दी, कह के बहुत ज्यादा लोग दिखने को मिल रहा है जो बीमार पड़ रहे हैं, इसीलिए हमने टेस्टिंग कर ली है। और वही रट वो लगातार देते जा रहे हैं कि यहाँ पर हम ICMR के गाइडलाइंस के मुताबिक कर रहे हैं। ICMR की एक ब्रॉड गाइडलाइन है, उससे ये चीज निकल के नहीं आती कि आपको कितना टेस्ट करना चाहिए। शुक्र है कि दिल्ली में इस वक्त टेस्टिंग बढ़ा है, मुंबई में टेस्टिंग बढ़ा है, और इसके साथ साथ हमें उम्मीद ये है कि अगर हम इस तरह से टेस्टिंग बढ़ा के लोकलाइज कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर बीमारी है, कहाँ कहाँ पर एक फैलाव हो रहा है, तो उसको जिसको कहते हैं ट्रेस ट्रीट, सिर्फ टेस्ट नहीं, टेस्ट के बाद ट्रैक और ट्रीट, ये अगर हम कर पाते हैं तो शायद हम केरला जैसे आप इस बीमारी पे कंट्रोल पा लिया है उस तरह हम दूसरे जगहों पे पा सकते हैं। पर मूल चीज आज की हम जो बात आपसे कहना चाहेंगे यह है कि कुछ शहरों पे हमें नजर रखना पड़ेगा जहां काफी तेजी से ये बीमारी की फैलाव देखने को मिल रहा है। चलिए और एक बात हम करना चाहेंगे इस वक्त, वो है गिलियड की जो रेमडेसिविर दवाई है इसके ऊपर। आप जानते हैं कि रेमडेसिविर दवाई एक ऐसी दवाई है, दवाई और वैक्सीन अलग अलग चीज है। दवाई से आप बीमार अगर आप हैं तो दवाई लेने से आप इससे रिकवर कर सकते हैं, आप इस बीमारी से आप मुक्त हो पाते हैं। तो ये वैक्सीन प्रिवेंटिव है जबकि दवाई आपको बीमारी से मुक्त करता है। तो अलग अलग दोनों का जगह है। तो अभी क्योंकि वैक्सीन हमारे पास नहीं है, कुछ दवाई हम जानते हैं उस पर फायदा बहुत हुआ है, जैसे डेक्सामेथासोन जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं पहले। डेक्सामेथासोन जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो डेक्सामेथासोन उनके लिए फायदेमंद होता है। और खास तौर से आप बहुत अगर सीरियस ज्यादा है, वेंटिलेटर पे है या ऑक्सीजन सपोर्ट पे है तो आपको ज्यादा फायदा करता है। अगर आप बहुत सीरियस नहीं है, ऑक्सीजन सपोर्ट पे नहीं है, वेंटिलेटर पे नहीं है, तो इस तरह की डेक्सामेथासोन से खास आपको फायदा नहीं होगा। तब कौन सी दवाई फायदा कर सकती है, वो यह है
कि जो एंटी वायरल्स है उस पर कुछ दवाई हो सकता है फायदा कर सकता है। उसमें सबसे अभी तक जो आपके डबल ब्लाइंड ट्रायल्स जिसे कहते हैं, उस तरह की ड्रग ट्रायल्स से रेमडेसिविर के बारे में कहा गया है कि 15 दिन की जगह पे आपकी हॉस्पिटल स्टे 11 दिन हो सकती है, बशर्ते आप तुरंत बीमारी जब भी आपके पास साफ हो जाएगा, आप बीमार हैं तो बहुत तुरंत अगर आप दवाई लेते हैं तो आपका हॉस्पिटल स्टे वगैरह कम हो सकता है। तो रेमडेसिविर इस वक्त एक ऐसी दवाई है जो आपकी COVID-19 बीमारी को थोड़ा कम कर सकता है। तो ये इसीलिए इसकी इस वक्त अहमियत है क्योंकि और कोई ऐसी दवाई हमें नजर नहीं आया। अभी रिटनवार, लोपिनवार जो आपकी एंटीवायरल्स थे, एंटी एड्स ड्रग्स थे, जो रिपर्पस करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुई। उसके साथ साथ आप जानते ही हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन की काफ़ी चर्चा हो चुकी है, वो भी कामयाब नहीं हुआ। तो अभी कामयाबी जो अभी तक हासिल कर पाया है कुछ हद तक, वो है रेमडेसिविर। तो इसके दाम क्या होगा, ये मुख्य सवाल है। तो चलिए देखते हैं अमेरिका में इसका क्या दाम होने जा रहा है और इसके बाद देखते हैं हमारे यहाँ पर इस पर कितना दाम होने जा रहा है। गिलियड का भी कहना है कि 5 दिन की इंजेक्शंस के लिए वो $3,000 वो चार्ज करेंगे। हर इन्फेक्टेड केसेस जो है उनको $3,000 चार्ज करेंगे अगर आप इंश्योरेंस के जरिए आते हैं, जो अमेरिका में आप जानते हैं ज्यादातर लोग इंश्योरेंस के जरिए वहां पहुंचते हैं। तो ये $3,000 का कीमत कैसे तय किया, तो उनका ये कहना है कि अगर आप ठीक हो जाते हैं तो जितना आपका बिल, अगर आप ठीक नहीं होते आपको 15 दिन रहना पड़ता, अगर आप 11 दिन में ठीक हो जाते हैं इसका मतलब 4 दिन का आपका हॉस्पिटल बिल कम हो गया, तो वो करीब $10,000-12,000 होता। तो इसीलिए हम $3,000 ले रहे हैं। तो ये ड्रग प्राइसिंग इस पर नहीं डिपेंड कर रहा है कि उसका कीमत क्या होना चाहिए, खर्चा क्या था और उसको सचमुच उस खर्चे को हम वाजिफ दाम में अब उसको खरीदें ताकि आपको भी जो बनाते हैं उनको भी फायदा हो और जो बीमार है उसका कम से कम अफोर्डेबिलिटी की के तरह तो आए ताकि वो खरीद पाए। नहीं खरीद पाएगा, इतना पैसा नहीं होगा, इंश्योरेंस नहीं होगा, तो इसका मतलब दवाई नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो ये जो चीज है इस पे ये बात निकल के आई है कि गिलियड की ये दाम बनाने की जो दाम है, ये 5 आपके इंजेक्शंस बनाने का दाम करीब $10 है। मतलब $10 की दवाई को $3,000 में बेचना चाहते हैं। ये कह के कि आपका अगर जरूरत है, आपको जितना फायदा होगा उसका कट हमें एक मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब उस लॉजिक को हम स्वीकार करें तो सबसे ज्यादा महंगा होना चाहिए पानी, क्योंकि वो सबको जिंदगी देता है, और सबसे कम दाम होना चाहिए सोने की, क्योंकि उस पर कोई फायदा नहीं होता है। तो दुनिया में इस तरह से कोई प्राइसिंग नहीं होता। तो गिलियड एक अनोखा प्राइसिंग मॉडल हमारे सामने इसीलिए लाया है कि वो ये कहना चाहते हैं कि हम इस वक्त मोनोपोलिस्ट हैं और कोई इस दवाई को बना नहीं सकता, हमारा पेटेंट है, इस पेटेंट के तहत हम जो भी चार्ज करेंगे लोगों को मानना पड़ेगा। और अमरीका में वो ऑलरेडी उनकी जो हेल्थ की हमारे इक्विवेलेंट जिसको मिनिस्टर हम कहेंगे, वो सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ है, वो कह चुके हैं कि ये दवाई जो है उसकी इंसेंटिव देनी चाहिए, इसीलिए दवाई पर कोई रोकथाम नहीं होनी चाहिए दवाई के दाम पे। और जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो भी नेगोशिएट नहीं कर सकती है इस दाम के लिए, जो गिलियड कहेगा, जो ड्रग कंपनी कहेगा उसी दाम को मान लेना पड़ेगा, बार्गेनिंग नहीं कर सकता। वो भी उनकी वहां पर उसके उनके पार्लियामेंट, सेनेट और कांग्रेस जो कहते हैं उसमें ये सब स्वीकृत हो चुकी है। तो ये चीज अगर देखे तो आइए हिंदुस्तान पे एक नजर डालते हैं हमारी क्या हालत है। इस वक्त गिलियड ने कुछ कंपनियों को इस लाइसेंस दिया है कि आप हमारी दवाई बना सकते हैं। उसका दाम करीब $600, मतलब करीब 30,000-31,000 रुपया हमारा हिंदुस्तान में उसका दाम होगा, $500-$600 के बीच। तो
तो करीब 30,000 से 40,000 के बीच शायद इसका दाम होगा। अभी तक फाइनल प्राइस के ऊपर बहस चल रही है, तो कुछ 25, कुछ 30, कुछ 32,000 इसकी बात हो रही है। पर पूरा कोर्स 5 इंजेक्शन कोर्स के लिए जो दाम होगा उसका अगर हम एक्चुअल कॉस्ट देखें तो मैक्सिमम होगा $10 के हिसाब से ₹750। तो ₹750 की दवाई 30,000 में बेचने की बात इस वक्त हमारे यहाँ भी हो रही है। क्यों? क्योंकि गिलियड की इस पे पेटेंट है, और गिलियड जो इंटरमीडिएट जिसको API कहते हैं, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, उसको इन कंपनियों को बेचेगा, और इन कंपनी कैप्सूल में या आपका एम्पूल में भर के इंजेक्टेबल बना के हमको देगा। तो ये सिर्फ जो यहाँ की कंपनी जो करेगी उसकी एक्चुअल दवाई को लेके उसको एम्पूल में भर के, फाइल में भर के इंजेक्टेबल बनाने के अलावा उसके पास और कोई काम होगा नहीं। तो यह है, यही चीज, वही एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है, इसको अगर हम यहाँ तैयार करें, बनाएं, तो हमारी कीमत जो है इस पर लोगों ने कहा है ये ₹100, ₹200, ₹300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ₹500, ₹600 तक मान लेते हैं इसका कीमत है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वाजिब दाम इसके कतई 30,000 नहीं हो सकती है। क्यों है? क्योंकि गिलियड की पेटेंट है, और सरकार इस पेटेंट को कंपल्सरी लाइसेंसिंग के तहत नहीं लाना चाहती है, क्योंकि अगर ये लाएंगे तो अमेरिका की धमकी मिलेगी। अमेरिका पहले भी धमकी हमें दे चुका है, हर साल धमकी देता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग मत करना कोई भी दवाई की, अगर कंपल्सरी लाइसेंसिंग करेंगे तो हम आप पर सैंक्शंस डालेंगे। 2012 में हमने ऐसी एक दवाई, कैंसर की दवाई को हमने कंपल्सरी लाइसेंसिंग किया था, वो $65,000 में बेची जा रही थी, और उसका जो कंपनी है उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तानियों के लिए हमने नहीं बनाया था, ये तो बनाया था उन देशों के लिए जहां पर लोगों के खरीदने की शक्ति है, मतलब गरीब लोग मरे, ये इससे कोई हर्ज नहीं है, पर उनकी वाजिब दाम मिलनी चाहिए उनके हिसाब से। तो यही बात यहाँ भी आ रहा है, COVID-19 महामारी है इस वक्त, WTO के ट्रेड रूल्स हो, हमारे पेटेंट एक्ट हो, दोनों के तहत हम इनके कंपल्सरी लाइसेंसिंग इन दवाइयों कर सकते हैं, हमारी पूरी अधिकार है। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सरकार जरूर, सरकार ये सवाल जरूर सरकार से करनी चाहिए, क्यों हम इतने बड़ा रकम से ये दवाई इस्तेमाल करेंगे, जबकि इस दवाई के साथ सचमुच फायदे कुछ निकल आए हैं, डबल ब्लाइंड ट्रायल से इसके फायदे निकल आए हैं, पर 30,000 में ठीक है, कुछ लोग तो इसको खरीद पाएंगे, कुछ लोग तो उसका इंजेक्शन ले पाएंगे, पर ज्यादातर लोग ये कर नहीं पाएंगे अपने बूते पे, अपने खर्चे पे नहीं कर पाएंगे। तो ये तो सरकार सब्सिडाइज करे, मतलब सरकार बहुत बड़े पैमाने पे ट्रांसफर करेगी देश की पैसा गिलियड को, ये निकल के आता है, नहीं तो आम जनता के पास इस दवाई को एक्सेस करने की कोई क्षमता नहीं होगी। तो हमारा फौरी काम यह है कि इस दवाई को कंपल्सरी लाइसेंसिंग करे, और यही मांग देश की हर कोने से उठनी चाहिए। अगर सचमुच इस दवाई का फायदा है जो आप मानते हैं, इसीलिए आपने इस दवाई को सैंक्शन किया है इस्तेमाल करने के लिए, आपके तरफ से सहमति है इस बात पे, तब इसको वाजिब दाम में, सस्ते दाम में प्राप्त कराना इस सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार की जिम्मेदारी पूरे करने के लिए हमारी पूरी ड्रग इंडस्ट्री काफी मजबूत है और आसानी से कर सकती है, बशर्ते इसकी इजाजत सरकार की तरफ से मिले कि इसको कंपल्सरी लाइसेंसिंग किया जाए। आज के लिए इतना ही, देखते रहिएगा न्यूज क्लिक।